हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम डबल डोर रेफ्रिजरेटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स कनेक्ट किए जाते हैं, उन कंपोनेंट्स के नेम क्या होता है एंड किस कंपोनेंट की क्या वर्किंग होती है, सब कुछ आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले हैं। आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास डबल डोर रेफ्रिजरेटर में जितने भी कंपोनेंट कनेक्ट किए जाते हैं सबको आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि कॉम्प्रेसर, डिफ्रॉस्ट हीटर, टाइमर, थर्मोस्टेट। तो आज के स्टूडियो में हम सभी कंपोनेंट्स के नेम क्या होता है एंड किस कंपोनेंट की क्या वर्किंग होती है सब कुछ डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं कंप्रेसर में कौन कौन से पार्ट्स कनेक्ट किए जाते हैं और उन सबकी वर्किंग क्या होती है। बेसिकली हमारे पास एक कंप्रेसर होता है, इसके अलावा कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए हमें वहाँ पर एक OLP लगाना होता है जिसे हम ओवरलोड प्रोटेक्टर कहते हैं। इसके अलावा वहाँ पर हमें एक रिले कनेक्ट करना होता है, रिले 2 पिन का भी हो सकता है, 3 पिन का भी हो सकता है। यदि रिले 3 पिन का होता है तो वहाँ पर फिर हमें OLP कनेक्ट नहीं करना होता है। वैसे तो रिले कई डिफरेंट तरह के मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर एक देख सकते हैं ये ओपन टाइप एक रिले होता है। चलिए अभी बारी बारी से सभी कंपोनेंट्स की वर्किंग हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि कंप्रेसर की बात की जाए तो कंप्रेसर बेसिकली क्या करता है, कोल्ड एयर को फ्लो करता है जब उसके अंदर से गैस फ्लो होती है। तो कंप्रेसर का मेन काम जो होता है वो इवोपोरेटर्स तक कोल्ड एयर को पहुंचाना होता है, इवोपोरेटर्स को ठंडा करने का काम कंप्रेसर का होता है। इसके अलावा OLP को देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। ये एक तरह से ओवरलोड रिले की तरह कार्य करता है। क्या होता है, जब हमारा कंप्रेसर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट लेता है, या जब हमारा कंप्रेसर ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उस कंडीशन में भी ज़्यादा करंट लेता है। तो उस कंडीशन में जब भी हमारा कंप्रेसर या तो ज़्यादा गर्म होगा या ज़्यादा करंट लेगा तो उस कंडीशन में ओवरलोड प्रोटेक्टर हमारे कंप्रेसर को स्टॉप कर देगा। ये एक तरह से ओवरलोड रिले की तरह कार्य करता है। आप यहाँ पे 2 पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ पे हमें सप्लाई कनेक्ट करना होती है, फेज हो चाहे न्यूट्रल हो, और यहाँ पे कनेक्टर कनेक्ट किया जाता है। इसे ले जाकर हम कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं। नॉर्मली यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पर न्यूट्रल दिया, यह कनेक्टर जाके कॉमन में कनेक्ट हो जाएगा। तो कंप्रेसर में जो कॉमन का कनेक्शन होता है वह ओवरलोड प्रोटेक्टर के द्वारा होता है, और जो रिले होता है, रिले में यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पॉइंट होते हैं, ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है, ये रनिंग वाला पॉइंट होता है। नॉर्मली क्या होता है, रिले में स्टार्टिंग और रनिंग वाला पॉइंट एक प्लंजर के द्वारा कनेक्ट किए होते हैं। जैसे ही हम कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं तो कंप्रेसर में स्टार्टिंग और रनिंग दोनों सप्लाई जाती है, बट प्लंजर क्या करता है, जैसे ही कंप्रेसर हमारा फुल स्पीड में आ जाता है तो स्टार्टिंग के सप्लाई को प्लंजर के द्वारा कट कर देता है और हमारा जो कंप्रेसर होता है ओनली रनिंग और ओवरलोड प्रोटेक्टर के द्वारा ही वर्क करता है। इसमें स्टार्टिंग का कनेक्शन कट जाता है। जैसे जब हम कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे उस कंडीशन में तो स्टार्टिंग और रनिंग दोनों सप्लाई जाएगी। जैसे ही हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा तो स्टार्टिंग की सप्लाई कट हो जाएगी, काफ़ी सिंपल होता है। इसके बाद अगला कंपोनेंट देखा जाए तो होता है कूलिंग फैन। कूलिंग फैन की बात की जाए तो कूलिंग फैन का मेन फंक्शन होता है एयर को सर्कुलेट करने का। क्या होता है, जब कंप्रेसर हमें कूल्ड एयर देता है तो उस कूल्ड एयर को फ्रीजर में प्लस बॉटम सेक्शन में पहुंचाने का काम इस फैन का होता है। फैन रन होता है और फैन के द्वारा जो कूल्ड एयर होती है वह फ्लो होती है फ्रीजर में भी प्लस हमारे बॉटम सेक्शन में भी। तो फैन का मेन काम एयर को सर्कुलेट करने का होता है। अगला मेन कंपोनेंट आता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। थर्मोस्टेट एक तरह से हम कह सकते हैं एक टेम्परेचर सेंसर होता है। क्या होता है, जब ज़रूरत से ज़्यादा हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है वो कूल्ड हो जाता है, ये जब हमारे फ्रिज में जगह जगह पर बर्फ जमने लगती है तो उस कंडीशन में थर्मोस्टेट क्या करता है, वहाँ पर टेम्परेचर को सेंस करता है। यदि ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पर ठंडांग होती है तो वहाँ पर जो थर्मोस्टेट होता है वो जाके हमारे टाइमर को स्टॉप कर देता है, और टाइमर से जितने भी कंपोनेंट्स कनेक्ट किए जाते हैं सब स्टॉप हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं थर्मोस्टेट एक तरह से वहाँ पे टेम्परेचर सेंसर का काम करता है। यदि ज़्यादा वहाँ पे ठंडांग होती है तो हमारा जो थर्मोस्टेट होता है सर्किट को ब्रेक कर देता है, और जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो वो फिर से हमारे सर्किट को स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर आप एक देख सकते हैं कैपिलरी होती है, इसमें SO2 गैस होती है जो कि इवोपोरेटर से टच होती है और वहाँ पर टेम्परेचर को सेंस करती रहती है। थर्मोस्टेट एक तरह से टेम्परेचर सेंसर होता है। अगला फंक्शन देखा जाए तो डोर स्विच का होता है। आप डोर स्विच को देख सकते हैं, जब क्या होता है हम रेफ्रिजरेटर को ओपन करते हैं तो ओपन करने पे हमारे बल्ब ने जलना चाहिए, और जैसे ही हम क्लोज कर दे तो बल्ब ने ऑफ हो जाना चाहिए। तो बल्ब को कंट्रोल करने का काम यहाँ पर आप कह सकते हैं डोर स्विच का होता है। ये एक लैंप होता है, इस लैंप को कंट्रोल हमारा डोर स्विच करता है, आप बेसिकली देख सकते हैं। तो बेसिकली डोर स्विच का काम यही होता है हमारे लैंप को स्टार्ट करने का। जब हम रेफ्रिजरेटर को क्लोज कर दे तो उस कंडीशन में हमारे लैंप को ऑफ कर दे,
जब रेफ्रिजरेटर को हम खोलते हैं तो उस कंडीशन में लैंप को ग्लो करने का काम इस डोर स्विच का होता है, और लैंप वहां पे सिंपल कनेक्ट होता है, 220 वोल्ट पे चलने वाला होता है, न्यूट्रल हम डायरेक्ट देते हैं और फेज जो होता है उसे हम डोर स्विच के द्वारा देते हैं। कंपोनेंट आता है डिफ्रोस्ट टाइमर। डिफ्रोस्ट टाइमर काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसमें आप देख सकते हैं टाइमर कई तरह के डिफरेंट डिजाइन के आपको मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं, बट जो उनकी पिन होती है पिन का फंक्शन हमेशा सेम होता है। आप यहाँ पर डिफ्रोस्ट टाइमर में कुछ पिन को देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर पॉइंट है, 4 नंबर पॉइंट है, 1 नंबर पॉइंट और 2 नंबर पॉइंट है। कई टाइमर में इस पॉइंट को इधर उधर हो सकते हैं, बट आपको पॉइंट्स के नंबर याद रखना है, क्योंकि पॉइंट्स के जो नंबर होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें एक मोटर कनेक्ट होती है डिफ्रोस्ट टाइमर में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 नंबर जो पॉइंट होता है वह फेस के लिए पॉइंट होता है जो कि मोटर को जाता है। देख सकते हैं आप 3 नंबर पॉइंट हमारी मोटर को जाता है फेस, और 1 नंबर जो होता है वो न्यूट्रल होता है जो कि हमारी मोटर को जाता है। तो हमारे टाइमर ऑन कब होगा या इसकी मोटर ऑन कब होगी, जब इसमें बेसिकली 3 से फेज मिलेगा और 1 से इसे न्यूट्रल मिलेगा। बेसिकली डिफ्रोस्ट टाइमर का जो मेन काम होता है वो हीटिंग और कूलिंग को कंट्रोल करने का होता है। यदि टर्मिनल की बात की जाए तो 3 नंबर यहाँ पे मोटर को फेज जाता है और 1 नंबर न्यूट्रल जाता है, जिससे हमारा टाइमर ऑपरेट होता है। 4 नंबर की बात की जाए तो 4 नंबर हमारा कूलिंग के लिए यूज किया जाता है। जब हमारे टाइमर को स्टार्ट करते हैं तो 3 और 4 से क्या होता है, कूलिंग की सप्लाई निकलती है। 3 की जो सप्लाई होती है वो यहाँ से 4 से निकलती है, एक तरह से कह सकते हैं हम 3 और 4 नंबर वहाँ पर NC होता है, और ये करीब 8 से 10 घंटे तक हमारी कूलिंग मोड में रहता है रेफ्रिजरेटर, और 8 से 10 घंटे के बाद वहाँ पे हीटिंग मोड में जाता है। तो 2 नंबर जो पॉइंट होता है वो यहाँ पे हीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। एक बार फिर से 3 नंबर मेन मोटर को सप्लाई देने के लिए होती है, और 1 नंबर न्यूट्रल देने के लिए होता है, 4 नंबर कूलिंग के लिए होता है, और 2 नंबर यहाँ पे हीटिंग के लिए होता है। किस तरह कार्य करता है यह भी हम समझने वाले हैं। टाइमर बेसिकली 8 से 10 घंटे कूलिंग मोड में रहता है, फिर 10 से 20 मिनट के लिए वहाँ पर हीटिंग मोड में रहता है और डिफ्रोस्ट हीटर को ऑन करता है। किस तरह ऑन करेगा इसके ऊपर हम कनेक्शन के ऊपर कनेक्शन जब हम करेंगे जब आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप डबल डोर रेफ्रिजरेटर के कनेक्शन के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे उसके कनेक्शन के ऊपर भी वीडियो बना सके। चलिए डिफ्रोस्ट टाइमर के बाद अगला कंपोनेंट आता है डिफ्रोस्ट हीटर। देखिए डिफ्रोस्ट हीटर का काम यही होता है हीटिंग को मेंटेन करने का। क्या होता है जब रेफ्रिजरेटर में ज़्यादा कूलिंग हो जाती है, ज़्यादा बर्फ जम जाती है, तो डिफ्रोस्ट हीटर वहाँ पे ऑन होता है और वहाँ पे हीटिंग को मेंटेन करता है। और एक बार वहाँ पे हीटिंग जब मेंटेन हो जाती है तो वहाँ पे बायोमेटल के द्वारा क्या होता है हीटर का कनेक्शन कट कर दिया जाता है। बायोमेटल बेसिकली देखा जाए तो एक तरह का यह भी टेम्परेचर सेंसर होता है जो कि हमारे डिफ्रोस्ट हीटर को ऑन एंड ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिफ्रोस्ट हीटर का काम होता है वहाँ पे हीटिंग मेंटेन करना, और बायोमेटल का काम होता है हीटर को कंट्रोल करना। जैसे ही -5 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हो जाता है तो हमारा बायोमेटल ऑन हो जाता है, और जैसे ही +5 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखिए -5 पे ऑन होगा और +5 पे यह ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ही +5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो यह ऑफ हो जाता है। इसके ऑफ हो जाने से हमारा डिफ्रोस्ट हीटर भी ऑफ हो जाता है। तो ध्यान रखिए -5 पे यह ऑन होता है, और जैसे ही +5 हो जाता है तो हमारे स्टार्टर जो डिफ्रोस्ट हीटर होता है उसे कट कर देता है और यह स्टॉप हो जाता है। अगला कंपोनेंट देखा जाए तो होता है थर्मल फ्यूज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है थर्मल फ्यूज। ये बेसिकली 70 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के भी अवेलेबल होते हैं। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि हमारे रेफ्रिजरेटर में 70 डिग्री टेम्परेचर या 50 डिग्री टेम्परेचर या 100 डिग्री टेम्परेचर कहाँ से आएगा। तो थर्मल फ्यूज का बेसिकली जो मेन फंक्शन देखा जाए तो वो होता है यहाँ पे हीटर को स्टॉप करने के लिए, क्योंकि हीटर में जो सप्लाई दी जाती है वो थर्मल फ्यूज के द्वारा दी जाती है, और ये बेसिकली 70 डिग्री सेल्सियस पे बर्नड आउट हो जाता है। अब 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कहाँ से आएगा, इसका क्या फंक्शन होता है, चलिए हम समझ लेते हैं। बाय डिफॉल्ट हमने अभी देखा कि हीटर को स्टॉप करने का काम किसका होता है, बायोमेटल का। यदि बायोमेटल हमारे रेफ्रिजरेटर में ख़राब हो गया है तो बायोमेटल के ख़राब होने से क्या होगा, हमारा जो डिफ्रोस्ट हीटर वो कंटिन्यू ऑन रहेगा। यदि डिफ्रोस्ट हीटर वहाँ पर कंटिन्यू ऑन रहता है तो डिफ्रोस्ट हीटर के कंटिन्यू ऑन होने से हमारे जो रेफ्रिजरेटर की बॉडी फाइबर की होती है, जिससे हमारे रेफ्रिजरेटर में आग भी लग सकती है, फाइबर की बॉडी जल भी सकती है। तो यदि वहाँ पे बायोमेटल हमारा ख़राब हो गया है तो डिफ्रोस्ट हीटर कंटिन्यू ऑन रहेगा, और इसके ऑन होने से यदि हमारे रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है तो उस कंडीशन में ये थर्मल फ्यूज जो होता है वो बर्नड आउट हो जाता है,
और वहां पर डिफ्रोस्ट हीटर के सप्लाई को कट कर देता है। तो ये एक तरह से सेफ्टी डिवाइस होता है। जब बायोमेटल खराब हो जाता है तभी थर्मल फ्यूज यूज होता है और वहां पर डिफ्रोस्ट हीटर की सप्लाई को कट करता है। आई होप आपको समझ में आया हो सभी कंपोनेंट का क्या फंक्शन होता है, क्या वर्किंग होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। और यदि आप डबल डोर रेफ्रिजरेटर के कनेक्शन के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो बना सके। सो आज के लिए इतना ही।